बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में शामिल होने के लिए मंगलवार को भारी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालुओं के जन सैलाब की वजह से यहां 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से 31 नवंबर तक एक पद यात्रा निकालने वाले हैं। यह पैदल यात्रा कुल 160 किलोमीटर की है, जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक होगी। मध्य प्रदेश में जून 2023 में जिन 6 महिला न्यायाधीशों को बर्खास्त किया गया था, उनमें से 4 को कोर्ट ने बहाल कर दिया है। बाकी 2 न्यायाधीशों के मामले को अलग से देखने के बाद आदेश दिया जाएगा। 23 मई 2023 को मध्य प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग ने हाई कोर्ट की सिफारिश पर इन 6 महिला न्यायाधीशों की सेवाएँ समाप्त कर दी थी। मध्य प्रदेश में रतलाम नगर निगम कार्यालय के अधीक्षक ने बुधवार सुबह सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने अकाउंटेंट पर पिछले 2 महीनों से सैलरी इंक्रीमेंट नहीं देने का आरोप लगाया है। इस मामले पर करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा भी चला। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के सीनियर अधिकारी को ठेकेदार ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। ठेकेदार ने झांसे में लेकर भेल के DGM से 2 लाख रुपए भी वसूल लिए। ठेकेदार और पैसों की मांग कर रहा था। परेशान होकर DGM ने मंगलवार को गोविंदपुरा थाने में ठेकेदार, 2 महिलाओं सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मानसून सीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 95% यानी 35.3 इंच बारिश हो चुकी है। 2 इंच पानी और गिरते ही इस साल नॉर्मल बारिश का जो कोटा है वो भी फुल हो जाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक सड़क के गड्ढे का जिक्र करते हुए कहता है कि ये इंदौर का पॉश इलाका महालक्ष्मी नगर है। यहाँ महंगी प्रॉपर्टी के साथ गड्ढे फ्री हैं। दरअसल MP में बारिश इतनी भारी हो चुकी है कि इसकी वजह से सड़कों की हालत खस्ता है, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स और वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के चाचा चैन सिंह चौहान का निधन हो गया। शिवराज भावुक होकर कहा कि चाचा जी उनके लिए प्रेरणा और भावात्मक सहारा थे। उनकी मौत से परिवार में गहरा शोक है। चाचा चैन सिंह के निधन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह भावुक हो गए। उन्होंने X पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। MP में बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त सैनिक 60 वर्षीय अखिलेश शुक्ला द्वारा 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की मां ने मंगलवार को थाने में इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपित पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार दोपहर आरोपित का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। MP कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कई बड़े फैसलों को स्वीकृति दे दी। वर्तमान में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर तबादले से प्रतिबंध हटते हैं तो अभियान प्रभावित होने का संकट था, इसीलिए इसे अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है।